रतलाम शहर के मदर टेरेसा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है, जहां एक 17 वर्षीय छात्र शोएब साकी, जो कि 10वीं फेल था, उसे 11वीं और 12वीं में एडमिशन दे दिया। और 2 साल बाद स्कूल प्रबंधन ने छात्र को बताया कि आप तो 10वीं फेल हैं। कक्षा 10वीं में फेल अपने बच्चे को लगातार अच्छी शिक्षा के लिए माता पिता विगत 2 साल से अनभिज्ञ होकर स्कूल में पढ़ाते रहे और स्कूल की ट्यूशन फीस भरते रहे। जब स्कूल संचालक विनोद मोड़ द्वारा दिनांक 15 दिसंबर को स्कूल में बुलाकर ये बताया गया कि आपका बेटा शोएब कक्षा 10वीं में फेल है, जिसके कारण कक्षा 12वीं की परीक्षा का फॉर्म नहीं जमा हो सकता, ये बात सुनकर छात्र व पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरे मामले में छात्र एवं परिवार ने मोर्चा खोल दिया है, जिसकी शिकायत मानव संसाधन विकास मंत्रालय दिल्ली से लेकर शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा विभाग कलेक्टर को की गई है। स्कूल संचालक पूरे मामले में फिलहाल पल्ला झाड़ता नजर आया, वहीं शिक्षा विभाग ने स्कूल को नोटिस जारी किया है। देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में स्कूल संचालक पर क्या कार्रवाई होती है। मेरा नाम शोएब साकी है, मदर टेरेसा स्कूल में पढ़ता हूँ मैं। हमें 10वीं में फेल हो गया मैं, तो हमें स्कूल की तरफ से सलाह मिली कि आप रुक जाना, नहीं मैं फॉर्म भरो। हमने उसका फॉर्म भरा, उसकी परीक्षा दी, तो उसमें वापस से हमें स्कूल में बताया नहीं कि आप फेल होकर पास हो, और हमें 11th में एडमिशन दे दिया। और उसके बाद में 11th की फीस भर ली इन्होंने, 11th में पास भी कर दिया, जिसका रिजल्ट भी है। और उसके बाद में 12th में फॉर्म भरने के बाद बोलते हैं कि अब फेल हो 10th में, तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा आगे। तो वैसे आपका कदम दिखा रहे हैं, हम ये कह रहे कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए ज़्यादा सख्त से। आपको कब बताया कि आप 12वीं में फॉर्म नहीं भर सकते हो? हमें 2 दिन पहले 15 दिसंबर। कितने दिन से आप पढ़ी कर रहे थे 12वीं में? पढ़ाई रेगुलर हो रही थी 12वीं में, हो रही थी 11th में, हो रही थी। मदर टेरेसा पब्लिक हाई स्कूल।